हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हो चुकी है, तो पहले दिन ही फ्रेंड्स 532 हवाई जहाजों ने टेक ऑफ किया, तो वहीं पे 630 फ्लाइटें रद्द हुई। कहीं पे यात्री खुशी में दिखे तो कहीं यात्री गम में दिखे, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया हूं, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही कोई वीडियो मैं लेके आऊंगा तो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो का भी एक लाइक करिए और ये जानकारी दूसरों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाएगा फ्लाइट टेक ऑफ के साथ साथ भी कैंसिल भी हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करता हूं और आपको पूरी जानकारी बताता हूं इसमें। तो फ्रेंड्स, बता देना चाहता हूँ, लॉकडाउन के बीच देश में तकरीबन 2 महीने बाद घरेलू डोमेस्टिक फ्लाइट सोमवार से शुरू हुई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 4:45 से पुणे के लिए सबसे पहली फ्लाइट रवाना हुई, जो 7:30 पर पहुंच गई। नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया, सोमवार को 532 फ्लाइट में से 29,231 यात्रियों ने उड़ान भरी। भारतीय आकाश में रोमांच की वापसी हुई है। आंध्र में कल से और बंगाल में 28 मई से उड़ानें शुरू होगी। इसके बाद उड़ानों और यात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने इसके बारे में जानकारी दिया है। तो वहीं पे फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विमान सेवा की शुरुआत के पहले दिन छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई से 14 स्थानों के लिए 47 उड़ानों का परिचालन किया। वहीं गोवा के लिए तय 13 उड़ानों में महज 3 उड़ानें ही गंतव्य पहुंच गई। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने एक बयान में बताया कि 7 विमान कंपनियों ने 14 स्थानों के लिए 47 उड़ानों का परिचालन किया। इन उड़ानों में अनुमानित तौर पर 4,852 लोगों ने यात्रा की। इनमें 3,752 यात्री जाने वाले और 1,100 यात्री आने वाले शामिल रहे। मुंबई हवाई अड्डे पर यात्रियों की लंबी लाइन देखी गई। सुरक्षा कर्मियों के थर्मल स्कैनिंग और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की वजह से यात्रियों को अंदर जाने में ज़्यादा समय लग रहा है। इस दौरान दिल्ली, मुंबई और अन्य हवाई अड्डे पर उड़ान रद्द होने से मुसाफिर के बीच में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। यात्रियों ने शिकायत की है कि उनकी फ्लाइटें रद्द कर दी गई है और एयरलाइंस की ओर से इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 82 उड़ानें रद्द हुई। इनमें दिल्ली आने और जाने वाले दोनों उड़ानें शामिल है, जिससे यात्री गुस्से में है। उनका दावा है कि उन्हें आखिरी तक उड़ान रद्द होने की जानकारी क्यों नहीं दी गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।